हेलो, वेलकम बैक। आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज बहुत ही शानदार टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में। इंग्लिश अल्फ़ाबेट हम लोग जो लैंग्वेज पढ़ते हैं, अंग्रेजी भाषा पढ़ते हैं, उसके अल्फ़ाबेट के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं आपके लिए, आपके इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। सारी वीडियोस को आप ज़रूर से ज़रूर देख लेना। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इन बातों को समझ लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अल्फ़ाबेट का डेफिनेशन क्या है और इसके जो पार्ट्स हैं किस तरह के होते हैं, इसके बारे में जानकारी आपको ले लेना होगा, ठीक है। चलिए, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट मीन्स अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला। चलिए, किसी भी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट होते हैं, वर्णमाला होते हैं। हिंदी हो, अंग्रेजी हो, किसी भी भाषा हो, सभी के अपने अपने वर्णमाला होते हैं। तो चलिए हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। एन अल्फ़ाबेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ एनी लैंग्वेज। ये चूँकि डेफिनेशन है सभी अल्फ़ाबेट के लिए, किसी भी लैंग्वेज के लिए आप इस डेफिनेशन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है इंग्लिश अल्फ़ाबेट की, तो आप कह सकते हैं एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट जो होते हैं उसके जो जितने भी लेटर्स होते हैं उन सारे को जो कलेक्शन होता है, उन सारे को यदि एक साथ आप बोलेंगे तो वही अल्फ़ाबेट कहलाता है, ठीक है। जितने भी अंग्रेजी भाषा में लेटर्स हैं, उन सारे लेटर्स को यदि एक समूह में आप बोलेंगे तो आप उसे अल्फ़ाबेट बोलेंगे, ठीक है। देखिए, आपके पास क्या क्या हो सकते हैं, आप जान रहे हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। अब लेटर पे भी हम लोग जाएंगे, लेकिन पहले जो जाना पहचाना बात आपके अंदर है, आपके दिमाग में है, उन पे डिस्कस कर लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये टोटल 26 हैं। और 26 जो हैं इसको यदि एक साथ एक समूह में बोलेंगे, एक होल में बोलेंगे, तो इसे अल्फ़ाबेट बोलेंगे। तो ये किसके लेटर्स हैं, ये लेटर्स हैं इंग्लिश के। तो ये लेटर्स इंग्लिश के हैं, तो ये हो गए इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब समझ लेते हैं कि लेटर क्या है, ठीक है। पहले तो लेटर को हम लोग डिस्कस किए, लेकिन अब हम लोग समझते हैं कि लेटर क्या है। तो लेटर जो होता है, लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा का सबसे छोटी इकाई को लेटर कहा जाता है, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, जो भी भाषाएं हैं, सभी के सबसे छोटी इकाई जो होते हैं उसे लेटर कहा जाता है। तो सबसे छोटी इकाई को समझने के लिए हम लोग कैसे देखेंगे, इसको कैसे समझेंगे। जी हाँ, आप यहाँ देख रहे हैं टोटल 26 है। इस टोटल को यदि आप एक साथ बोलेंगे तो आप बोलते हैं अल्फ़ाबेट, ठीक है। लेकिन इसी में से यदि किसी एक को आप उठा लेंगे, मान लीजिए एक को हमने उठाया, यहाँ से एक को उठाया, तो एक छोटी यूनिट हो गई क्या, 26 में से एक हम निकाल लिए तो वह एक लेटर हुआ, यानी सबसे छोटी इकाई हुई, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यदि बी को निकाल लेते हैं, हमने बी को निकाल लिया, 26 में से बी को हमने फिर निकाल लिया, तो बी को निकाल लिया तो बच गया क्या, हुआ 25 बचा है। तो सबसे छोटी इकाई हमने क्या निकाला, बी को निकाल लिया, तो वह एक लेटर है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग बारी बारी से यदि देखें, मान लो सी को निकाल लेते हैं बाहर, तो 26 में एक निकाल लिए, सबसे छोटा को निकाल लिए, 25 बच गया, लेकिन सबसे छोटा बाहर निकाल लिए, तो सबसे छोटी इकाई को हम लोग लेटर बोलते हैं। देखिए, ए से लेकर के जेड तक में यदि आप एक समूह में बोलेंगे तो अल्फ़ाबेट होगा, और ए से लेकर के जेड में आप अलग अलग बोलेंगे, ए अलग, बी अलग, सी अलग अलग यदि आप लिखेंगे तो वह लेटर है, ठीक है। तो लेटर जो हो गया वह किसी भी लैंग्वेज का सबसे छोटी इकाई होती है। चलिए, बहुत अच्छा।
फिर अगर हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ लेटर, लेटर के टाइप भी होते हैं, अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चलिए उसको फिर से दोहरा लेते हैं। दो तरह के, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर होते हैं, ए बी सी डी, जो बड़ी ए बी सी डी आपने आप लिखते हैं वो उसे कैपिटल लेटर कहते हैं, और जो छोटी ए बी सी डी आप लिखते हैं उसे स्मॉल लेटर कहते हैं, ठीक है। चलिए, लेटर दो तरह के होते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। तो बड़ी ए बी सी डी जो आप लिखते हैं वह कैपिटल लेटर है, और छोटी ए बी सी डी जो आप लिखते हैं वह स्मॉल लेटर है, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, बड़ी ए बी सी डी जो लिखते हैं उसे कैपिटल लेटर, और छोटी ए बी सी डी जो लिखते हैं उसे स्मॉल लेटर कहते हैं। चलिए, अब देख सकते हैं ये वाली। अब देखिए, 26 जो लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, उसको तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, ठीक है, जैसे आप हमेशा से जानते आ रहे हैं। चलिए उसको फिर से दोहरा लेते हैं। इसमें से 26 में से ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल लेटर्स हैं, ये वॉवेल लेटर्स हैं, और इसकी संख्या है 5। 26 में से 5 वॉवेल लेटर्स हैं। अब बच गया कितना, 21 बच गए, ये सारे 21 हैं, और 21 को जो बच गए उसे कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। क्या मैं कह रहा हूँ उसको दोहराता हूँ, फिर से आप समझिएगा। इंग्लिश के 26 लेटर्स में से 5 वॉवेल लेटर्स हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। चलिए, ये इसकी संख्या 5 है, और बाकी बच गए 21। 21 जो हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, और 5 जो हैं वो वॉवेल कहलाते हैं। ए ई आई ओ यू को वॉवेल कहते हैं, और बाकी जो 21 हैं, बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये 21 जो हैं, ये 21 कॉन्सोनेंट लेटर हो गए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ, ये है सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल्स क्या है, सेमी वॉवेल्स कौन है? देखिए, 21 लेटर्स में ही दो लेटर ऐसे हैं जो सेमी वॉवेल्स कहलाते हैं, वो है डब्ल्यू और वाई। डब्ल्यू और वाई को सेमी वॉवेल्स कहते हैं। ये क्यों कहते हैं इसे, इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि ये वॉवेल भी है और ये कॉन्सोनेंट भी है, इसलिए इसकी गिनती इसमें भी की गई है। तो ये वॉवेल के रूप में भी काम आता है और कॉन्सोनेंट के भी रूप में काम आता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको विस्तार से बताऊंगा कि सेमी वॉवेल जो होते हैं वो डब्ल्यू और वाई है, और इसका यूज कैसे किया जाता है वर्ड्स, वर्ड के निर्माण में। तो ये सेमी वॉवेल हो गए, सेमी वॉवेल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के क्लास में हमने सीखा कि जो अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट, उसके डिटेल के बारे में हमने सीखा समझा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू।